हेलो गाइस, वेलकम टू एडुवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा जो होने वाली है, एक्साइज कांस्टेबल जिसको कहा जाता है, ठीक है, इसके लिए दौड़ के लिए, शारीरिक के लिए आपका फाइनल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसके पहले भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो उसमें अंतर बस यही आया है कि पहला वाला जो नोटिफिकेशन था ना, उसमें डे वन डे टू करके लिखा हुआ था, जिससे काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो एक फाइनल आपको डेट के साथ दो दिन का और डेट को आगे बढ़ाया गया है, है ना, 22/8 यानी कि 22 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन, मतलब कि रनिंग फिजिकल जो है वो होने वाला है। ठीक है, देखिए क्या बताया जा रहा है, एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा उसमें क्या होगा, पहले फिजिकल लिया जाएगा, पहले आपका रनिंग का जो टेस्ट है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए डेट निकाला गया है। ठीक है, आप लोग काफी सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, सो क्वेश्चन थोड़ा अजीब अजीब सा पूछते हैं, तो इसीलिए ये वीडियो को आप लोग के सामने रखा जा रहा है कि झारखंड उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल का एग्जामिनेशन होता है, उसमें पहले फिजिकल होगा, उसके बाद फिर आपका रिटर्न होगा, तब फिर रिटर्न में जो भी आप लोग नागपुरी लिए होंगे वो हम लोगों के द्वारा नागपुरी का क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है, फुल क्लास होगा। ठीक है, तो फिजिकल जो होने वाला है वो 22 तारीख को होने वाला है, 22 अगस्त से होने वाला है। ठीक है, फिर से बतला दे रहे हैं, 22 अगस्त से आप लोगों का एग्जाम फिजिकल होने वाला है, जिसके लिए 8 जो क्षेत्र है वो बतलाया गया है। क्या क्या है 8, जैसे क्या बोलते हैं उसको जी, 8 माने कि जगह बतलाया गया आप लोग की, 8 जगह पे इस तरह से कंडक्ट कराया जाएगा फिजिकल। तो पहला क्या है, रांची स्मार्ट सिटी धुरवा क्षेत्र रांची में है। ठीक है, दूसरा क्या है, झारखंड जगुआर टेंडर ग्राम रातू में है। ठीक है, रांची में। तीसरा जो आपका केंद्र बनाया गया है वो गिरिडीह में है, तीसरा जो है वो किस में है, गिरिडीह पुलिस केंद्र गिरिडीह। ठीक है, फिर चौथा जो है, चौथा किस में है, हजारीबाग में, पद्मा हजारीबाग। ठीक है, JAPTC है, पद्मा हजारीबाग उसमें है। ठीक है, फिर पांचवा केंद्र जो है वो आपका पलामू चियाकी हवाई अड्डा में है, मेदिनीनगर पलामू में। छठा है, छठा किसमें है, जमशेदपुर सिटी में है, आपका स्वासपुर मुसाबनी पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, जमशेदपुर में। चलिए सातवां किसमें है, साहेबगंज में है। ठीक है, सातवां जो है वो साहेबगंज में है, यहां पर देख रहे हैं आठवां होना चाहिए, 9 लिख दिया है, कैंपस साहेबगंज है। ठीक है, सातवें है जी, सातवें बनाया गया है क्या, तो यहां पर आप देख लीजिएगा साते है। ठीक है, तो साहेबगंज में है, जमशेदपुर में है, पलामू में है, हजारीबाग में है, ठीक है, गिरिडीह में है, और रांची में सेंटर बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, और क्या ही साथ ही साथ आपको यहाँ डेट स्पेसिफाई किया गया है, दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा सा बड़ा कर देगा। हाँ देखिए, यहां पर पहले जो था ना उसमें डे वन डे टू लिखा हुआ था, पहले वाला जो निकाला था ना जिसमें कि 20 तारीख से था, तो उसको फॉलो नहीं करना है, इसको फॉलो करना है जो अभी आपके सामने दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको डेट दिया गया है कि 22 अगस्त से शुरू होगा। ठीक है, और सबका सेंटर बता दिया गया भैया कि यहां यहां सेंटर है, उस सेंटर में जाइएगा। ठीक है, अच्छा, आप एक पूछ रहे थे कुछ लोग, बहुत भोले भाले हैं जी आप लोग। देखिए हुआ क्या है कि यहां पर जो रोल नंबर दिया है 23 जी, देखिए यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,00,06 से लेके 10,02,421 है। तो कुछ लोग पूछने लगे, सर हमारा तो है ये नहीं है, इसमें क्या करें। देखिए आप जो सोचते हैं ना कि 10,006 फिर 10,007 10,008 ऐसे आ गए, वैसे थोड़ी दिया जाता है, ये 6 से लेके जिसका भी 24/21 तक है इसके अंदर आता है, उन लोग को 2000 कैंडिडेट को यहां पर जाना है। कहां जाना है, रांची स्मार्ट सिटी धुरवा क्षेत्र में, ये रोल नंबर। ठीक है, ये रोल नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर कहिए तो। ठीक है, ऐसे होता है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि 6 वाला का तो है सर, 7 वाला मेरा है, मेरा 7 है, मेरा कहां है। ठीक है, तो इसी के अंदर है, देखिए 6 7 ऐसे करते हुए गिनते हुए जाइएगा तो 2421 जिसका है वहां तक का है 22 तारीख को। ठीक है, 22 तारीख को होगा, फिर 23 तारीख को है, 24 तारीख, 25, 26 तारीख, तो 4 तारीख तक है, 4 नवंबर कितना हो, अगस्त सितंबर तक है। ठीक है, 22 तारीख से लेके माने 22 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक है, सबका यहां डेट स्पेसिफाई कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी हम अभी आपको समझा दिए कि कैसे होता है। सो
ठीक है, तो अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए, डेट देख लीजिए कौन से डेट में आपका आता है, ठीक है, कौन सा सेंटर पड़ा है, वो सब सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसको इसका जो मतलब पीडीएफ है ना, एडू अंकुरन के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा और जोरदार किस्म से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। लास्ट में और कुछ दिया हुआ है, शारीरिक दक्षता परीक्षण के संबंध में प्रवेश पत्र डाउनलोड हेतु लिंक आयोग के वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी, प्रवेश पत्र में अंकित दिशा निर्देश के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें, ठीक है। तो बहुत जल्द जो है ना लिंक जो है इसको डाउनलोड करने का, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का जो लिंक है वो आ जाएगा, ठीक है, जेएसएससी के वेबसाइट पे उसको आप लोग देखिएगा, मिल जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। आप लोग अभी क्या कीजिए कि रनिंग का तैयारी कीजिए, ठीक है, और कोशिश कीजिए थोड़ा चढ़ान टाइप का जो ट्रैक रहेगा ना उसमें दौड़ने का, या फिर बालू का बालू बालू वाला जो होगा उसमें दौड़ने का कोशिश कीजिएगा। इसे क्या होगा ना, आपका स्टेमिना और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ेगा, ठीक है। और गर्म पानी पीजिएगा सब आप लोग, ठीक है, अभी मौसम बदल रहा है तो पेट बत्था हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं बोलना है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बता दे रहे हैं कि तुरंत एकदम जूता बांध के दौड़ने नहीं लग जाना है, पहले थोड़ा सा पैर को स्ट्रेच कर लीजिएगा, एंकल उंकल को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिएगा पैर को, और उसके बाद फिर दौड़ने का प्रैक्टिस कीजिए अभी, ठीक है। ट्रैक कैसा रखिएगा, चढ़ान टाइप का रहेगा ना, उस सब में दौड़ जाइए ना, तो उससे क्या होगा ना, आपको जो जब रनिंग वाला में जाइएगा ना समतल मैदान में, तो थोड़ा सा आराम बुझाए, मतलब इजी रहेगा दौड़ने के लिए, ठीक है। ये सब चीज को आप लोग ध्यान में रखिए और देख लीजिए 9 सितंबर तक तो आप लोग का ये चल रहा है। साथ ही साथ हम बता दे रहे हैं, अनाउंस कर दे रहे हैं, एडू अंकुरन के माध्यम से आप लोग को ना पढ़ना का है मंजर भाग दो पढ़ना है, समझिए मेरी बात को, नागपुरी जो जो लिए है ना उसको मंजर भाग दो पढ़ना है, तो उसका हम लोग क्लास अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके लिए जो भी आप लोग क्लास चाहिए होगा ना तो कॉन्टेक्ट कीजिएगा, है ना। चलिए तो ये सारा डिटेल है, इसका जो लिंक है हम मतलब ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे, सारा डिटेल आप लोग को पता चल गया। जोर शोर से अपना तैयारी कीजिए, मौसम भी अच्छा है अभी का समय, न गर्म है न ठंडा है, पानी उनी मारते रहता है तो मजा आएगा दौड़ने में भी, जम के दौड़ी उड़ी और अपना मतलब की तैयारी जोर शोर से कीजिए, ठीक है। आज का वीडियो अब यहीं समाप्त करेंगे, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।